अगली खबर है बैगाओं के द्वारा बोई गई फसल को लेकर। दरअसल जिले के समानापुर जनपद अंतर्गत वन ग्राम सिमरधा में कई बैगा परिवारों के द्वारा बोई गई खेती को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मवेशियों से नष्ट करा दी गई। इस दौरान विवाद की स्थिति भी बनी। बैगाओं का आरोप था कि वे संबंधित जमीन में वर्षों से खेती करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बैगाओं ने बताया कि सिमरधा की भूमि में सालों से उनके पूर्वज खेती करते आ रहे हैं, जीवन यापन इसी भूमि से होता है। इस बार धान की फसल लगी हुई है, उसे वन विभाग ने के अमले द्वारा अचानक आकर पालतू मवेशियों से चरा दिया गया। अधिकारियों से ऐसा ना करने को कहने पर बल का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया गया। बैगाओं को वहां से भगाने की कोशिश की गई, जिस पर ग्रामीण भड़क गए और वन कर्मियों के साथ उनका विवाद हो गया। वहीं विवाद बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। बहरहाल वन विभाग के इस रवैये के खिलाफ बैगा आदिवासी लामबंद हो गए हैं। वन विभाग द्वारा किए गए इस कार्य के बाद बैगा आदिवासियों ने जिला प्रशासन से जमीन का पट्टा दिलाने, साथ ही वन विभाग द्वारा धान की फसल की भरपाई की मांग भी करी है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों का तर्क था कि जमीन वन विभाग की है, इसलिए उसे खाली कराया जा रहा था। सर, वन विभाग वाले हमारा फसल पूरे नष्ट कर दिया, हम जमीन भी नहीं छोड़ सकता, न हमको मुआवजा भी दे दिलाया हमको सरकार, तब हमारा पोषण पालन होगा, नहीं हम कलेक्टर डीएफओ के कोठा में हम आके पूरे लड़का बच्चा हम धरना धर देंगे। हम लोग हमको पोसाए किसी भी तरीके से हो, हमारा फसल पूरा नष्ट कर दिए वन विभाग ने। हमारा 40 साल का कब्जा है, पीढ़ी हमारा माए बाप का पूरे पीढ़ी दो पीढ़ी निकल गया है हमारा, न मोजाए दें न वो जमीने दें न पट्टे दें, जो आता है फॉरेस्ट वाले निरस्त कर देता है हमारा पट्टा का, जो देता है उसको निरस्त कर देता है, इनको कभी नहीं दिलाएंगे हम पट्टा, नहीं जमीन नहीं देंगे।